हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलिंस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चीज़ बर्गर। बर्गर की पैटी या टिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। छोटे साइज़ की गाजर, जिसको मैंने कर दिया है फाइनली चॉप्ड, दो छोटी बीन्स की फलियाँ और एक छोटा प्याज, इन दोनों को भी मैंने बारीक चॉप्ड कर दिया है। थोड़े से धनिया के पत्ते, एक टेबलस्पून अदरक और एक टेबलस्पून हरी मिर्चें, दोनों को मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, और एक चौथाई कप मटर के दाने, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है। साथ में एक कप पोहा और एक कप उबले हुए आलू, जिसको मैंने मैश कर दिया है। अब सबसे पहले हमें पोहे लेने हैं। पोहे को हमें अच्छे से पानी से धो देना है और अब हमें पोहे को साइड रख देना है 5 मिनट के लिए। बोल में हम लेंगे अपने उबले हुए आलू, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर रखा है। अब हम इसमें अपने पोहे भी मिला देंगे। इसमें हम एक चौथाई कप मटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड, साथ में ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई बीन्स और गाजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। अब इसमें आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सचर रेडी है। हम इसे टिक्की का शेप देंगे। हमारी टिक्की या पैटी को हम साइड रखेंगे और एक बोल लेंगे। बोल में मैंने एक छोटा कप मैदा और एक छोटा कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। दोनों की क्वांटिटी सेम ही रहनी चाहिए। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और एक छोटा चम्मच नमक। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इस प्रकार से इसका एक बैटर रेडी करना है। अब हमें एक और प्लेट ले लेनी है और प्लेट में हम निकाल लेंगे कॉर्नफ्लेक्स। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैंने बारीक बिल्कुल क्रश कर दिया है। इसके बाद हम एक और प्लेट ले लेंगे और उसमें हमें निकालना है मैदा। अब सबसे पहले हमें अपनी पैटी और टिक्की लेनी है, उसे में अच्छे से मैदे में हमें रोल करना है, जिससे कि मैदा उस पर अच्छे से चारों तरफ लग जाए। देन हमें उस पर जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी बनाई थी उसमें डुबोना है और उसके बाद लास्ट में हमें इस पर कॉर्नफ्लेक्स लगाने हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें हमें पैटी को डीप फ्राई करना है, जब तक कि पैटी हमारी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसको सेक भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मिंट मेयोनीज, जिसके लिए हम थोड़ा सा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 से 4 हरी मिर्चों को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। अब इसके पेस्ट को हम मेयोनीज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी मिंट मेयोनीज बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे पिंक सॉस, जिसके लिए हम मेयोनीज लेंगे और मेयोनीज में नॉर्मल टोमेटो केचप को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से हमारे दोनों सॉस बिल्कुल रेडी हैं। अब लास्ट में हम बर्गर बन लेंगे, जिसको मैंने 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है और इसमें अच्छे से बटर लगा के इसको हमें टोस्ट करना है। इसे हमें 4 से 5 मिनट लो फ्लेम में ढक के पकाना है, इससे ये नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगा। अब सारी चीज़ें रेडी हैं, बस हमें करना है बर्गर को असेंबल। तो सबसे पहले बर्गर बन लेंगे, उसमें हम पिंक सॉस ऐड करेंगे। पिंक सॉस के बाद अगर आपके पास लेट्यूस है तो आप लेट्यूस उसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम अपनी पैटी ऐड करेंगे। पैटी के बाद हम इसमें चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे और अपनी सारी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने टमाटर, खीरा और प्याज लिया है। बर्गर के ऊपर वाले बन में मैंने मिंट मेयोनीज ऐड करी है। फाइनली हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।